देखते हैं 10 दिया हुआ है, 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 का पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2√2। एक काम करते हैं हम लोग, 2 का पावर इसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ 2 का पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज कर दिया हमने। चलिए अब इसके बाद देखिए, 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ 2 का पावर 1 और बाई में 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स भी तो लिख सकते हैं, डिवाइड में दे सकते हैं क्योंकि पावर माइनस में है, इक्वल टू में 2√2। हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट एक्स या कुछ अदर वेरिएबल लेते हैं, वाई इक्वल टू में 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हम लोग वाई मान लेते हैं, तो वाई प्लस 2 बाई वाई इक्वल टू में 2√2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा वाई, वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू में 2√2, यानी आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू में 2√2 वाई। इसको इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा आप ये वाई स्क्वायर माइनस 2√2 वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू में वाई इंटू में √2 प्लस √2 का स्क्वायर इक्वल टू में 0, ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये फॉर्मूले पे सेट हो रहा है यहाँ पे, वाई माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी वाई माइनस √2 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा यहाँ से वाई इक्वल टू में √2। अब ऊपर y का वैल्यू हमने लिया है 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स, देयर फोर 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में हो जाएगा √2। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं 2 का पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 2 का पावर 1/2। बेस सेम तो पावर को इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में 1/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में इसे 1/√2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में यहाँ पर ये यह हो जाएगा साइन स्क्वायर π/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एक्स इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ से आपका n π प्लस माइनस π/4 n बिलोंग्स टू z। ये आपका आंसर हो गया, यही क्वेश्चन थे।